Good morning, dear students, and how are you? Tell me. Say I'm fine. Well, welcome to your English class. कैसे पता चलता है English की notebook कौन सी है? There are four lines in English notebook. अब ये मैं नहीं बताऊंगी या आप बताओगे. अपने वीडियो बनाइए, तीनों notebooks रखिए. कौन सी notebook कौन सी है आप मुझे वीडियो बनाकर भेजिएगा, ताकि मैं देखना चाहूंगी कि आपको अपनी नोटबुक्स की पहचान भी होगी, कौन सी हिंदी की है, कौन सी इंग्लिश की है, कौन सी मैथ्स की है. तो चलिए, नेक्स्ट लेटर हमारा लेटर है जी. जी फॉर प्यारा प्यारा एनिमल, कौन सा? ज़ेब्रा. पता है आपको इसके अंदर व्हाइट एंड ब्लैक कलर की क्या होती है? ये स्ट्राइप्स होती है. ये देखिए, छोटा वाला भी, इसका बेबी भी है ना, ये बिग, ये स्मॉल. कौन सा बिग? ये कि ये. चलिए, ये कॉन्सेप्ट भी आप मुझे बताइए. विच वन इज बिग? दिस वन इज बिग एंड दिस वन इज स्मॉल. तो जी फॉर ज़ेब्रा. तो चलिए, और क्या होता है जी फॉर? आपका जो टेबल था ना जीरो का, वो भी होता है जी फॉर जीरो. जीरो वन द जीरो. चलिए, नेक्स्ट है आपका जी फॉर, बोलो, जिप. देखिए, आपकी जो बॉयज होती है ना, उनकी निक्कर में भी होती है, और आपकी मम्मा के पास जो किट है उसमें भी होती है. आपकी मम्मा के पास ट्रैवलिंग बैग्स होंगे उसमें भी होती है, और आपकी मैम के पास जो पेन पेंसिल स्टेपलर रखती है उनके पास भी होती है, है ना. और आपकी स्कूल बैग में भी होती है, और आपकी दादी माँ के बैग में भी होगी, है ना. तो आप बोल सकते हो जी फॉर जिप. चलिए, अब हम देखते हैं कि इसको लिखते कैसे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल डॉट्स लगाने सीखिए. आपको ब्लू लाइंस में स्लैंटिंग वे में ही डॉट्स लगाने हैं. देखिए, वन इज देयर, वन इज देयर. तो चलिए, ये लेटर भी हमारी लास्ट की थ्री लाइंस में ही लिखा जाता है. अब लिखना सीखिए. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट आउट स्लैंटिंग लाइन, देन टर्न, देन टर्न, देन अप. देखिए, कुछ कुछ थ्री लिखना है, थ्री लिखना है आपको, ऐसे रेड लाइन को टच करके देन टर्न कर देना ऊपर को, जैसे वाई में किया था हमने. ठीक है, फिर से देखिए. जी ज़ेब्रा, जी जीरो, जी ज़िप. तो चलिए बच्चों, ज़ेड फोनिक साउंड. इसकी फोनिक साउंड क्या होती है? जी ज़ ज़. देखिए, इसके नीचे बिंदी भी लगती है, है ना. जैसे जल वाला ज लिख के इसके नीचे बिंदी, तो इसको प्रोनाउंस करेंगे ज. ठीक है, तो चलिए, डू प्रैक्टिस एट होम एंड बाय बाय एंड टेक केयर. कल मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम ए टू जी की पूरी फोनिक साउंड्स का चार्ट आपको बताएंगे, क्योंकि हमारे पूरे लेटर्स हो गए. तो डू प्रैक्टिस एट होम, बाय बाय एंड